good morning children welcome again here in this video tutorial today we'll continue with the chapter number 7 that is fractions as we know that we are doing the multiplication exercise of fraction so today we have a question here find the reciprocal of the following fractions we have to find out the reciprocal of the following fractions given fractions fine now first of all let me explain what is reciprocal reciprocal of a fraction so the reciprocal of a fraction is uh, to just interchange the numerator and the denominator it means to find the reciprocal of a number just interchange the numerator and the डिनिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं मींस ऊपर नीचे जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर की प्लेस में आ जाता है ओके लेट मी एक्सप्लेन इट य फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द चैप्टर नेम दिस इज Chapter number seven Fractions. Okay, so our topic is reciprocal of a fraction. Fine, so we have a number here that is two out of five. Now we have to find out its reciprocal so it's a numerator it's a denominator so it's very easy we'll just interchange the numbers hum numbers interchange kar denge reciprocal ke liye isme aapko koi method use nahi karna hai इसमें आपको ऐसा कोई solving part नहीं है बस आपका जो fractions, आपको given fraction है proper fraction. This is proper fraction. उसको आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है ओनली सो द न्यूमिरेटर इज एन सो द न्यूमरेटर इज टू सो इट विल बी बिकम डिनोमिनेटर एंड द फाइव इज न्यूमरेटर ओके ये इंटरचेंज हो गया है मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस में आ गया है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस में आ गया है ओके नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज फोर

क्योंकि वन से फोर एग्जैक्टली डिविजिबल है इट मीन्स वन से जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे डिविजिबल होते हैं तो जहाँ पर हमें सिंगल नंबर दिया होता है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर वन माना जाता है ओके okay? वन को हम एज़ डिनोमिनेटर लिखते हैं जहाँ पर हमें सिंगल नंबर दिया जाता है यहाँ पर हमें हम ओनली फोर दिया था तो हमने डिनोमिनेटर क्या ले लिया वन ले लिया ओके वाई बिकॉज़ अगर आप वन से फोर को डिवाइड करोगे 4 divided by 1 so we'll get the answer only 4 1 4s are 4 4 minus 4 is 0 so the remainder is 0 and the quotient is 4 it means hum 4 out of 1 kar sakte okay so if we'll do the reciprocal of 4 out of 1 now just interchange the Numerator and denominator. So 1 is as denominator part and 4 is, sorry, 1 is as numerator part and 4 is denominator. Interchange ho jayenge wapas mein. Okay, now let's take another example of reciprocal. Here we have have example here 1 out of 8. So this is numerator. एंड दिस इज डिनिनेटेड नाव इंटरचेंज इट हम इसे इंटरचेंज कर देंगे एट हमारा ऊपर चला जाएगा एंड वन हमारा नीचे आ जाएगा सो इफ़ यू विल डिवाइड एट बाई वन अगर आप एट को वन से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली exactly डिविजबल हो जाएगा वन से बिकॉज मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि वन की टेबल में सारे नंबर आते हैं ठीक है अगर हमारा वन एज़ डिनोमिनेटर होता है नो नीड टू राइट वन तो हमें वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है हम केवल वो नंबर लिखते हैं जो हमें नंबर दिया गया होता है सो वन एट जार एट वन से एट एट टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा आंसर सीधे एट आ जाएगा सो वन आउट ऑफ एट कोई भी फ्रैक्शन आपका वन आउट ऑफ एनी गिवन नंबर टू फोर सिक्स ट्वे ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड टेन लैख एनी थिंग कोई भी नंबर आपका दिया है और आपका न्यूमरेटर पार्ट वन है तो आपका जो रेसिप्रोकल आप करोगे तो जो आपका डिनोमिनेटर नंबर होगा वही आएगा आंसर जैसे ये आपका एट डिनोमिनेटर पार्ट था तो आपका रेसिप्रोकल में भी आंसर यही आएगा बिकॉज जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वन आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वन से जब आप उस डिजिट को डिवाइड करोगे नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको नंबर इट सेल्फ मिल जाएगा अंडरस्टूड एवरी वन ओके लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सड नंबर एक मिक्स नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं ये तो हमारे सिंपल फ्रैक्शंस थे इम्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस थे फाइन अब एक हम मिक्स नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं सो हियर वी हैव एग्जाम्पल ऑफ एट होल टू आउट ऑफ

प्लस टू आउट ऑफ थ्री जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में ही रहता है यहाँ पर जब हम लोग मिक्स नंबर को इम प्रॉपर नंबर में चेंज करते हैं ओके नाउ ए थ्रीज आर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स सो हियर वी हैव ट्वेंटी सिक्स आउट ऑफ थ्री नाउ वी हैव चेंज्ड A mixed number into an improper fraction this is a this is an this is an improper fraction okay why it is an improper fraction because we have a greater number in numerator part jab hame numerator me bada number milta hai denominator se bada milta hai, greater than greater than denominator that means it's a Improper fraction and in the case of proper fractions, the numerator is less than, smaller than the denominator. So, it's a improper fraction. Fine everyone, now we have to reciprocal of 26 out of 3. As you know that this is numerator and this is denominator. So, we'll interchange it. Hum isse kya kar denge? Interchange kar denge. so three out of twenty six okay this is improper fraction improper fraction को पहले uh, this is mixed number mixed number को पहले हम improper fraction में change करेंगे improper fraction में change करने के बाद हम उसे उसका reciprocal find out करेंगे okay जो आपका सिंपल फ्रैक्शन होता है उसमें तो आप इजीली रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हो जस्ट इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और जब आपको मिक्स नंबर दिया जाता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेंज द नंबर इन द इम्रॉपर फ्रैक्शंस आफ्टर दैट विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन फाइन अंडरस्टूड एवरी वन सो दिस इज द वे वी कैन ईजीली सॉल्व द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस लाइक दिस यू विल सॉल्व योर वर्कशीट ऐसे ही आप अपनी वर्कशीट सॉल्व करेंगे एंड इन द लास्ट ट्यूटोरियल क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस फाइन हमने मल्टीप्लीकेशन किए थे फ्रैक्शंस के सो लेट्स वन मोर एग्जाम्पल चलो हम एक और ले लेते हैं बिकॉज आई हैव गिवन सम मल्टीप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शन इन योर वर्कशीट सो आई एम रिपीटिंग इट मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ ठीक है जो आपका मल्टीप्लाई पोर्शन था फ्रैक्शन का मैं आपको फिर से समझा रही हूँ एंड वॉच द वीडियो प्रॉपरली जब तक वो वीडियो वॉच नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लाई सो स्टूडेंट्स

So, what we'll do? We'll just multiply both the numbers. 4 3's are 12. Now, we'll add 12 plus 3. Now, it will become 12, 13, 14, 15. Okay? So, we'll write here 15 out of 4 as denominator. Understood, everyone? Now, this is a multiplication sign again we'll multiply both the number 4 6 are 24 so we'll just add 24 plus 5 so we'll get here 24 plus 5 29 now the denominator part will be remain as denominator okay so here we have फिफ्टीन आउट ऑफ फोर एंड वी हैव ट्वेंटी नाउ स्टूडेंट सॉल्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक बोथ दी नंबर्स हम न्यूमरेटर पार्ट पे पहले सीधे सीधे चेक करेंगे कि ये किसी एक डिजिट एक नंबर की टेबल में आ सकता है या नहीं मीन्स फिफ्टीन एंड फोर किसी भी एक नंबर की टेबल में आ किसी भी एक नंबर से कैंसिल हो सकता है नहीं इट मीनस कि ये टू की टेबल में या थ्री या फोर की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं या नहीं सो विल टेक द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट वन तो हम लेंगे नहीं वन की टेबल में तो जनरली सारे नंबर्स आते हैं सो विल टेक टू सो टू की टेबल में आपका फोर आता है बट फिफ्टीन नहीं आता या यू कैन यूज योर डिविजिबिलिटी टेस्ट ओके ऐसे फाइंड आउट करने के लिए ऐसे कैंसिल करने के लिए या आपको कि किसकी टेबल में कौन सा नंबर आता है यहाँ पर आप अपना डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो जो आपको लास्ट मल्टीप्लीकेशन एंड फैक्टर्स चैप्टर में आपको समझाया था ठीक है आप बोलते हो कि ये हमारे कहाँ पर यूज़ है मैम डेफिनेशनस आएंगी या नहीं आपकी डेफिनेशन मे भी नहीं आती हैं मे बी ज्योमेट्रिकल पार्ट में आएंगी, बट ये आपको इसलिए सिखाया जाता है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से लर्न होगा तो आप इसे कैंसिल भी इजीली कर सकते हो जैसे अब बहुत सारे बच्चों को पता है कि फिफ्टीन थ्री की टेबल में आता है फाइव की टेबल में भी आता है सो व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री टू की डिविजिबिलिटी में तो वो होता है जो इवन नंबर्स होते हैं मीन्स जिनका जो यूनिट प्लेस होता है टू की डिविजिबिलिटी में टू फोर सिक्स एट एंड जीरो दिस इज़ यूनिट नंबर टेंस एंड वंस होता है तो जो वंस प्लेस में हमारे टू फोर सिक्स एट और जीरो आते हैं दिस इज़ द डिविजिबिलिटी ऑफ टू इफ अगर आपसे पूछा जाएगा वट इज़ द डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री थ्री की डिविजिबिलिटी क्या है सो so, बहुत सारे बच्चों को तो थ्री का टेबल अच्छे से लर्न है फोर का भी लर्न है टू टू नाइन टेन तो सबको मोस्टली लर्न हो ही गया होगा अभी लेकिन फिर भी अगर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं तो वो डिविजिबिलिटी रूल लर्न कर सकते हैं तो फिफ्टीन की डिविजिबिलिटी अगर आपसे पूछी जाएगी थ्री की तो थ्री की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके गिवन नंबर्स हैं आपको उसको आपस में ऐड करना है लाइक अगर आप फाइव और वन को एक साथ ऐड करोगे फ़ाइव प्लस वन इट विल गिव सिक्स सो थ्री की टेबल में सिक्स आता है थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स इट मीन्स फिफ्टीन भी थ्री की टेबल में आता है ओके नाउ यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन थ्री की टेबल में आता है नो no. पर सिक्स आता है यस yes. सो so, थ्री की टेबल में इसमें से वन ही नंबर आता है एंड टू की टेबल में इसमें से वन नंबर आता है इट मीन्स ये जो नंबर हैं ये तो आपके ईवन नंबर्स हैं और ये आपके ऑड नंबर्स हैं तो ये जनरली मुश्किल है कि किसी की टेबल में एक साथ आएंगे ओके ना वट विल डू वी विल जस्ट चेक द क्रॉस नंबर जैसे क्रॉस में हम चेक करेंगे फोर से ट्वेंटी नाइन एंड फिफ्टीन से सिक्स यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये किसी की टेबल में आते हैं या नहीं फोर एंड ट्वेंटी नाइन तो नहीं आता बिकॉज ट्वेंटी नाइन भी नहीं आता इट्स अ प्राइम नंबर And I have already explained that prime numbers are numbers which have only two factors. Ek to number itself or another is 1. 1 and number itself. It means 29 only 1 or 29 ki hi table hai. So, ye dono to aapas mein cancel honge. Now, we will check 15 and 6. Now, the divisibility of 15 is सिक्स इट मीन्स ये थ्री की टेबल में आता है एंड सिक्स ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ थ्री सो विल कैंसल इट बाई थ्री थ्री टू जार्स एंड थ्री फाइव जार फिफ्टीन वेल वी हैव योर फाइव एंड टू नाउ चेक फाइव एंड टू भी किसी की टेबल में आता है नो एज 5 is also a prime number and prime numbers which have only two factors that the number itself and only 1. So we'll write here 5 out of 4 multiplied by 29 out of 2. Now students, abhami cancel So we'll डू ओनली मल्टीप्लीकेशन अब हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इट मीन्स फाइव से हम ट्वेंटी नाइन को करेंगे और फोर से हम टू को करेंगे सो डिनिनेटर पार्ट में तो ईजी है फोर टू जार एट न्यूमरेटर पार्ट भी ईजी है बट इफ़ यू कन्फ्यूज इफ़ यूल कन्फ्यूज एंड यू विल मल्टीप्लाई द नंबर ह्यो आप रफ में से सॉल्व कर सकते हो ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाईड बाई फाइव विल गेट फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव राइट we'll write here five and carry over there four. Five twos are ten plus four, fourteen. Okay, now it's one hundred and forty five. So we'll write here one hundred and forty five. जब हमारे पास ऐसा नंबर मिलता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जब वो कैंसल नहीं होते हैं सो विल जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बोथ द डिनोमिनेटर ठीक है दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दोनों दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइन नाव हियर वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई एट बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शनल बार इसका मतलब डिविजन सिम्बल भी होता है इट मीन्स वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव डिविजबल बाई एट मतलब डिवाइड बाई एट हमको इससे डिवाइड करना है नाउ इन रफ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव को हमको एट से डिवाइड करना है ना डिवाइड में हमारा रूल हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर चेक करते हैं लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर ओके दिस इज राइट साइड दिस इज़ द मोस्ट लेफ्ट साइड ये सबसे पहले जो आ रहा है उसको चेक करेंगे This is smaller than 8. So now what we will do? The second step, we will take another number. It means 1, 4, 14. Obviously, 14 is greater than 8. Now recite the table of 8. 8 ones are 8. 8 twos are 16. So 8 is smaller than 14, but 16 is greater than 14. So we will write here 8 ones are 8. Fine. Now subtract it. Eight subtract from fourteen. Fourteen में से eight minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा नीचे लेके आएंगे because we have five here. हमारे पास ऊपर एक नंबर बचा हुआ था दैट इज फाइव तो हम उसे नीचे लेके आ जाएंगे सो एट की टेबल में सिक्सटी फाइव आता है जिस रिसाइड द टेबल ऑफ एट एट वन जा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एट फोर ज़ार थर्टी टू एट फाइव हज़ार फोर्टी एट सिक्स हज़ार फोर्टी एट एट सेवेन ज़ार फिफ्टी सिक्स एट एट ज़ार सिक्सटी फोर एट नाइन ज़ार सेवेंटी टू एट एट ज़ार सिक्सटी फोर And 8 nines are 72. So 64 is near to 65 and smaller than 65. So what we will write here? 64. 8 8s are 64. Now subtract 5 minus 4, 1. 6 minus 6, 0. It means nothing. So remainder is 1 and quotient is 18. Now again we'll write this in mixed number. अब हम इसे mixed number में लिखेंगे okay? So mixed number में लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था जो आपका remainder होता है वो आपका सबसे ऊपर चला जाता है और जो आपका quotient होता है जो आपका डिवाइजर होता है वो तो अपनी place प्लेस में रहता है ए डिनिनेटर पार्ट में एंड जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका होल में कन्वर्ट हो जाता है इट मीन्स 18 होल वन आउट ऑफ एट दिस इज योर आंसर फाइन लाइक दिस यू विल सॉल्व योर वर्कशीट अब आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई आप ऐसे करके आप अपने मल्टीप्लिकेशन सम्स सॉल्व करेंगे एंड रेसी तो आपको पता ही चल गया होगा कितना इजी है बस आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है इंटरचेंज करना है ओके सी यू इन द नेक्स्ट Maths tutorial class. Bye bye. Have a nice day.